भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा के पिता की शोक सभा में शामिल हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित भाजपा के कई पदाधिकारी। वही शोक सभा में शामिल हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाबरी विध्वंस मामले के फैसले पर कहा कि अंततः सत्य की जीत हुई। तत्कालिक कांग्रेस की सरकार ने पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर हमारे संत महात्माओं सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं पर झूठे आरोप लगाए थे, लेकिन आखिर सत्य की जीत हुई और दूध का दूध पानी का पानी हो गया। मैं अदालत के इस फैसले का सम्मान करता हूँ। कांग्रेस की सरकार पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर हमारे संतों पर, महात्माओं पर, वरिष्ठ नेताओं पर झूठे आरोप लगाए थे। वो सब निर्मूल साबित हुए हैं। दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो गया है। हम माननीय न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं। कई लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और हमारे युवा सांसद मेरे भाई विष्णुदत्त शर्मा जी के पिताजी का 93 साल की उम्र में स्वर्गवास हुआ, उनको श्रद्धांजलि देने आज पूरा परिवार, भारतीय जनता पार्टी का परिवार, बाकी भी सब लोग यहाँ हैं। मैं उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। और श्री अमर सिंह जी दंडोतिया ने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो आज पूरे प्रदेश का नेतृत्व कर रहा है और भविष्य में मध्य प्रदेश की सेवा, जीवन भर देश की सेवा करते रहेंगे। मैं उनके सिर चरणों में प्रणाम करता हूँ। सर 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 एक सवाल, एक सवाल सर, आज सीवर में भी किसान ने आत्महत्या कर ली, 7 लाख हुई है सीवर में किसान की, आज का विषय है। और ये जो कमलनाथ जी ने किसानों के साथ धोखाधड़ी की, कांग्रेस ने किसानों के साथ धोखाधड़ी की, चुनाव के पहले ये कहा था कि हम 2 लाख का कर्जा 10 दिन में माफ़ कर देंगे और किया नहीं, किया भी, सिर्फ आदेश दिए कि 2 लाख तक का कर्जा माफ़ किया जाता है, लेकिन उनके खातों में पैसा नहीं डाला। यह अपराध किया और इसलिए इसका अगर कोई पापी है, अपराधी है, तो वो कमलनाथ और कांग्रेस और राहुल गांधी। इसलिए आत्महत्या कर रहे किसान? नहीं नहीं, किसान वाकई में दुखी है और धोखाधड़ी की। और किसानों की जो संस्था है कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव बैंक, जो उनको ऋण देती थी खाद बीज दवाई, उनकी भी गला घोट के हत्या कर दी कमलनाथ जी ने। सर आत्महत्या के कारण लोगों को गोली कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, कैनन न्यूज़।